अगर आपका मैथ का एग्जाम आने वाला है या फिर कल है तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको 6 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो मैथ के एग्जाम को देते समय आप गलतियाँ नहीं करेंगे, जिससे कि आपको मैथ के एग्जाम में समय कम नहीं पड़ेगा, आपकी काटापीटी नहीं होगी, आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जिससे कि आप लोग मैथ के एग्जाम को अच्छी तरह से दे पाओगे और उसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो चलिए इंपॉर्टेंट बातें बताना स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, एग्जाम हॉल में जब आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाता है तो क्वेश्चन पेपर की शुरुआत में जो वन वर्ड आंसर होते हैं, जैसे कि मैच द कॉलम, ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, तो उन क्वेश्चन के आंसर लिखने के लिए आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जिन क्वेश्चन के आंसर आपको पता है उन्हें लिख देना है, और जिन क्वेश्चन के आंसर आपको पता नहीं है तो उनके लिए आपको खाली जगह छोड़ देना है, ताकि आप लोग उन्हें लास्ट में कर सको। अगर आप लोग उन्हें अभी के अभी करोगे तो उन्हें सोचने में, उन्हें याद करने में आपको टाइम लगेगा, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट होगा, और जब आपका अभी टाइम वेस्ट हो गया तो फिर आगे क्वेश्चन करने के लिए आपके पास समय नहीं बचेगा। नंबर 2, आपके क्वेश्चन पेपर के बीच में जो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चन में से सबसे पहले आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिन्हें आपको अच्छी तरह से सॉल्व करना आता है, और फिर इसके बाद आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है जिन्हें आपको अच्छी तरह से सॉल्व करना नहीं आता है, या फिर बिल्कुल भी सॉल्व करना नहीं आता है। आपको ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जब आप लोग क्वेश्चन को लाइन से सॉल्व करते हुए जाते हो तो बीच में जब कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जो कि आपको हल्का फुल्का सॉल्व करना आता है, अगर आप लोग उसे बीच में ही करना शुरू कर देते हैं तो इससे होता ही है कि आप थोड़ा सॉल्व करते हैं फिर सोचने लग जाते हैं, फिर थोड़ा सॉल्व करते हैं फिर सोचने लग जाते हैं, जिससे कि आपका काफ़ी सारा टाइम वेस्ट होता है, और फिर एंड में आपके पास उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए समय नहीं बच पाता जो कि आपको अच्छी तरह से आते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको पहले उन क्वेश्चंस को करना है जो कि आपको अच्छी तरह से सॉल्व करना आता है, और फिर इसके बाद आपको वो क्वेश्चन करना है जो कि आपको सॉल्व करना नहीं आता। नंबर 3, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और आपको क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, क्या डिफाइन करना है, वो भी आपको अच्छी तरह से जान लेना है, और इसी के साथ साथ आपको क्वेश्चन के बीच में जो वैल्यूज दी गई हैं वो वैल्यूज किस यूनिट में है, सेंटीमीटर में है, मीटर में है, ग्राम में है, किलोग्राम में है, लीटर में है, या फिर मिलीलीटर में है, एक्सेट्रा। तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है। नंबर 4, आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है। कंजूसी से मेरा मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको पास पास नहीं लिखना है, आपको हर एक स्टेप को साफ सुथरा और दूर दूर लिखना है, जिससे कि टीचर को भी कॉपी चेक करने में आसानी होगी और आपको भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। नंबर 5, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं और आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाता है तो आंसर के साथ आपको यूनिट लिखना नहीं बोलना है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब, किलोग्राम, ग्राम, लीटर, मिलीलीटर, जो भी है आपको यूनिट सही तरीके से लिखना है, और इसी के साथ साथ आपको अपने आंसर को ब्रेकेट में इस तरह से कैद कर देना है जिससे कि आपका जो आंसर है वो हाईलाइट हो। नंबर 6, जब आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं जो कि आपको अच्छी तरह से सॉल्व करना आता है, और उन क्वेश्चन को भी जो कि आपको आधे अधूरे सॉल्व करना आता है, तो फिर इसके बाद आपको करना ये कि आपने शुरुआत में जो वन वर्ड आंसर छोड़े थे उनके आंसर आपको लिख देना है। अगर आपको आंसर याद आ जाते हैं तो लिख देना है, लेकिन अगर आपको याद नहीं आते हैं या फिर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पता नहीं होता है तो आपको जो भी आंसर लगता है वो आप लिख दीजिए, और फिर इसके बाद आप लोग अपनी कॉपी में ये चेक करिए कि आपने आंसर के साथ यूनिट वगैरह लिखी है या फिर नहीं, और जब आप ये सभी कर लेते हैं तो फिर आपके पास जो बचता है समय, उस समय के अंदर आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है जो कि आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आए हैं कि उन क्वेश्चन के अंदर क्या सॉल्व करना है, क्या करना है, उन क्वेश्चन को आपको बिल्कुल लास्ट में कर देना है। सो दोस्तों, यहाँ पर इन 6 इंपॉर्टेंट बातों को बताना खत्म करते हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूँ कि आप इन 6 बातों को ध्यान में रखेंगे और मैथ के एग्जाम को देते समय आप इन 6 बातों को फॉलो करेंगे, जिससे कि आप लोग अपने मैथ का एग्जाम को अच्छी तरह से दे पाएंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से आपके मैथ के एग्जाम के साथ साथ आपके और भी एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।